मैंने कहा बॉलीवुड को मेरे सिर के ऊपर उठा के घूमूंगा। अच्छा हाँ, क्यों? ऐसे बस मेरी तमन्ना है बॉलीवुड में जाने की, सब मेरा ऑटोग्राफ लेंगे भैया, ऑटोग्राफ दो ना। अच्छा क्यों क्यों लेंगे? फेमस होना है मुझे। अच्छा फेमस होना है तो बॉलीवुड को सिर पे रख के घूमोगे? अजवा यार, ऐसा तो शाहरुख खान ने भी नहीं बोला होगा शायद। शाहरुख खान जैसे तो अपने फैन बन जाएंगे, है ना? वाह यार भाई, तू तो बहुत मौज करता है यार। है क्या नाम तेरा? दीप। दीप दीप रामल। अच्छा। मंडी शाहरुख खान जो एड्रेस पूछे तो बता देना। और अभी गाना कितने देर में रिकॉर्ड कर लोगे आप? 3 मिनट का गाना है बस। अच्छा 3 मिनट में? फ्री फ्री बाद में कल? कल कौन आएगा? कल बॉलीवुड में जाना है इनको। कल बॉलीवुड में नहीं तो? वो तो लाइक सब्सक्राइब के ऊपर आएंगे ना, फिर मेरे फोन आएगा, फिर जाऊँ। अच्छा फोन कौन करेगा? यूट्यूब कोई भी कर देगा अपने तो। कोई भी कौन करेगा? फिर भी कोई कोई तो करेगा, कोई कोई तो याद करेगा किस्मत से। शाहरुख खान तो फैन हो जाएंगे आपके, वही करेंगे। शाहरुख खान सलमान खान तो कहेंगे भैया हो ना हमारे पास। अच्छा, अच्छा उनकी फिल्मों में गाने आप गाओगे मतलब? हाँ अब मैं जमा ट्रेंडिंग करूंगा। आप मतलब राजस्थानी सॉन्ग तो नहीं गाओगे? राजस्थानी सॉन्ग नहीं गाता। राजस्थानी तो राजस्थानी वाले गा रहे हैं। अच्छा आप कहाँ से हो? तुम्हें तो राजस्थान से। ए भाई गाना गा के दिखाओ राजस्थानी का। चलो ठीक है राजस्थानी। हाँ। अब तो न्यालो हो जा सासू को मटे कलेस। हेलो नमस्ते भैया, बॉलीवुड में जाना है। कहाँ से बोल रहे हो भैया? रामगंज मंडी। अच्छा और बॉलीवुड में जाना है? अच्छा अच्छा, तो पहले गाना तो गाओ। आप ऐसा करो मेरे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजो, जो मैं आपको पता सेंड कर देता हूँ, उसको पूरा पढ़ना है ना, पढ़ के आ जाना आप। हेलो। हाँ जी भैया नमस्कार। नमस्ते। आ जाओ आ जाओ। अच्छा कहाँ से आए हो? रामगंज मंडी। रामगंज मंडी से? हाँ अच्छा, गाना गाओगे? गाना गाओगे। गाना गाने के लिए आए हो? अच्छा तो गाना वाना लिख के लाए हो? हाँ लिख के लाए। कौन से गाओगे? बॉलीवुड। अच्छा बॉलीवुड। आपने फोन किया था क्या मेरे? हाँ। क्या नाम आपका? दीप। दीप किस में आए? बस में आए होंगे? ट्रेन से और फिर बस से। रामगंज मंडी से पहले ट्रेन में आए फिर बस में? कहाँ पे आए पहले? कोटा। पहले कोटा आए फिर? फिर बूंदी। फिर बूंदी फिर शकरगढ़ आ गए? शकरगढ़। अच्छा अच्छा, तो पहले राजस्थानी ट्राई कर लो ना गाना, मतलब राजस्थानी नहीं करना, डायरेक्ट बॉलीवुड में जाना है। क्यों? बस इसे। क्यों, कारण क्या है? राजस्थान में और भी है सिंगर बहुत सारे, अपने से बड़े बड़े वाले बैठे अभी तो। अच्छा बड़े बड़े बेटे, इसलिए आप मतलब राजस्थानी नहीं करोगे, है ना? बॉलीवुड ही करोगे। अच्छा किसने बोला आपको कि बॉलीवुड में चलेंगे तो अच्छा रहेगा? मैं शायरी लिखता मतलब इंस्टाग्राम पे शायरी, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि सिंगर बन जा। अच्छा दोस्तों ने बोला भाई सिंगर बन जा। हाँ। फिर ऐसे मैंने प्रैक्टिस करी घर पे, गाना लिखा, 4 महीने लगे गाना लिखा, 2 गाने लिखे। 4 महीने? 2 गाने लिखने में 4 महीने लगे? अच्छा फिर मैंने सर्च करा यूट्यूब पे, जो आपके नंबर दिए, स्क्रीनशॉट लेके फिर आपको फोन लगा। अच्छा तो राजस्थानी गाने तो नहीं गाओगे आप, है ना? बॉलीवुड बिल्कुल ही पसंद नहीं है राजस्थानी तो गाने आपको? नहीं, डायरेक्ट बॉलीवुड ही है। डायरेक्ट बॉलीवुड। राजस्थानी सिंगरों को तो आप जानते ही नहीं हो यार। सही है ना? आप तो बड़े बड़े कलाकारों को जानते हो। किस किस को जानते हो बड़े बड़े कलाकारों को? जानता हूँ बाकी गाने सुने मैंने, इमरान हाशमी है, सोनू निगम, सुखविंदर। अच्छा उदित नारायण, अलका, योगिन, इनके गाने सुने। अच्छा तो आपने तो बॉलीवुड स्टारों के ही गाने सुने। बॉलीवुड गाए अभी, बॉलीवुड गाने के बाद में जो हिट होगा उसके बाद में पंजाबी सॉन्ग गाऊंगा डायरेक्टली। डायरेक्ट पंजाबी सॉन्ग। अच्छा गा जानते हो आप? हाँ है ना,
या सीखोगे? सीखना नहीं है, डायरेक्ट गाना गाऊंगा मैं तो। सीखना विकना तो सीख गया। सीख लिया पहले ही? कब? बस मन में। अच्छा अच्छा, सीखना विकना नहीं है आपको तो गाना है। मैंने सोचा सीखने आए हो यार। सीखना नहीं है, गाना गाना है। डायरेक्ट गा लोगे? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है यार भैया। क्या नाम बताया आपका? दीप। दीप, केवल दीप ही है? और कुछ पूरा नाम है ना, जयदीप नाम है। मतलब आगे पीछे भी कुछ जात वात भी लगाते होंगे? जात तो राजपूत है, गोद सोलंकी है। अच्छा अच्छा, राजपूत है और गोद सोलंकी है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। राग जमाना सीखा मैंने पहले, जिसके बाद गाना गाना है। कैसे जमाई आपने राग? अकेले बंद कमरे में। फिर भी कोई गाना गा के सुना दो हल्का सा। हल्का सा कौन सा गाऊं? जैसे आपको यार बॉलीवुड में जाना है तो फिर वहाँ पे देखो वो जो जज बैठे रहेंगे ना, यहाँ पे तो अपन जज नहीं है, अपन तो भाई है मान लो, पर वहाँ पे जैसे अलका याग्निक जी बैठे हैं और तो इधर वो तो उनके गाना सुना दूंगा ना। इधर जैसे हिमेश रेशमिया जी बैठे हैं, इधर नेहा कक्कर जी बैठे हैं। हैं, नेहा कक्कर तो मेरे को पसंद ही नहीं है। अरे वो आपको पसंद नहीं है, पर मतलब जैसे आप जाओगे तो सही ना, इंडियन आइडल में तो गाओगे पहले। हाँ गाओगे ना, तो फिर वहाँ पे जैसे नेहा कक्कर जी बैठे होंगे और इधर हिमेश रेशमिया जी बैठे होंगे और उधर और भी बड़ी बड़ी मतलब जो आपको मतलब वो करेंगे ना, गाना गवाएंगे पहले, तो वो कहेंगे कि गा के सुनाओ भैया, देखे क्या गाओगे, फिर क्या गाओगे आप? जो मेरा गाना गाऊंगा वो गा के सुना दो। नहीं मतलब गा के तो अभी भी सुनाना है ना आपको, भाई सीख के आए हो तो गा के तो सुनाओ थोड़ा सा। कौन सा? मेरा वाला? हाँ मेरा वाला सुनो, या मतलब इसे हमें तो केवल एक लाइन या दो लाइन सुना दो, बाकी तो बाकी रिकॉर्ड करेंगे फिर गाने तो अपन। मेरा सुनो। मेरी रूह भी करती है जब तेरी खुशबू चलती है, तू कहीं महके तो मेरी सांसें जलती हैं। अच्छा, ये ऐसे गाओगे आप है ना? आप तो यार मतलब गा जानते हो यार, बड़े कलाकार हो। इनको भी क्या बॉलीवुड गाने गाने हैं? आपको भी सिखा देंगे। आप सिखा दोगे? गाना बनाना लिखना सीखा मेरा, सीखना सीखना नहीं है इसमें। हाँ, दिमाग होना चाहिए। हाँ दिमाग होना चाहिए। हाँ पर मतलब लिखे कैसे ऐसे गाने आपने? ऐसे मन में याद कर कर। नहीं वो तो यार सही है, पर मतलब को जख्म वख्म लगा हुआ है आपके है ना? अरे वो तो लगा हुआ। कैसे लगा, क्या क्या हो गया? ऐसे बस दिल ने चाहा सिंगर बन जाओ। नहीं पर जख्म तो लगा है आपके। हाँ जख्म तो लग रहा है ना, है ना? किसी लड़की वड़की का चक्कर है? हाँ जब भी इतने जख्मी गाने लिख के लाए हो ना, मतलब क्या क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस उस लड़की है जो उसको मतलब सिंगर, एक सिंगर है फैज मोहम्मद। अच्छा उसको मतलब उसकी फैन है वो। अच्छा तो मेरे दिल ने चाहा कि मैं भी सिंगर बनूं। सिंगर बनने के बाद दोबारा प्रपोज करने जाऊँ। अच्छा उस लड़की को है ना, मतलब सिंगर बनने के बाद भी फिर जाओगे प्रपोज करने, और पहले वो मतलब दूसरे को चाहती है? हाँ अभी वो किसी और को चाहती है। किसको चाहती है वो? जेने क्या नाम है उस लड़के का, मैंने बहुत ट्राई करा लेकिन मिला। सिंगर है वो? सिंगर नहीं है वो, मतलब सिंगर की जो तो फैन है वो। अच्छा सिंगर जो किसी लड़का जो उसके मतलब दिल और दिमाग में है ना। हाँ, वो कोई और है। वो कोई और है। हाँ तो आप तो लड़की के चक्कर में ही मतलब बॉलीवुड में जाना चाहते हाँ, हो लड़की है ना, ये प्लस पॉइंट है। मतलब लड़की ने आपको धोखा दे दिया? नहीं धोखा नहीं दिया। तो मतलब पहले हमारी फ्रेंडली बात हुई। अच्छा ऐसे काफी टाइम तक बात चली ऐसे करके, तो फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा तो ब्लॉक करना वही तो होता है, धोखा देना ही तो होता है यार। मौज करते हो, मतलब लड़की ने आपको ब्लॉक कर दिया तो धोखा देना ही हो गया ना यार। पहले बात करती थी ना वो, बात करती थी ना पहले दूसरों की बातों में। अच्छा। अरे किसी ने जो बोलता है उसको विश्वास कर लिया, मैंने जो शब्द नहीं बोला उसके बारे में वो भी बोल दिया किसी ने उसको, फिर उसने तो वो तो नहीं समझेगी ना मैंने बोला। हाँ पर ब्लॉक कर दिया ना। हाँ, हाँ तो धोखा देना ही हो गया ना, इसीलिए गाने गा रहे हो फिर आपकी मतलब मैं वापस गाने गाऊंगा और बॉलीवुड में जाऊंगा और फिर मतलब वापस तुझे प्रपोज करूंगा। वापस करोगे या नहीं करोगे? वापस जाऊंगा उसके पास। क्या पता यार बॉलीवुड में चले जाओगे ना। नहीं नहीं उसको तो, उसको फिर तो भूल जाओगे यार। नहीं भूलोगे? नहीं भूलोगे? कैसे करोगे फिर प्रपोज? बॉलीवुड में जाओगे तो बड़े आदमी बन जाओगे आप तो। मैं तो उसके बड़ा आदमी बनने वाला, लेकिन फिर भी उसके पास जाऊंगा। नहीं कैसे करोगे जो फिर बोलते हैं? उसके पास जाऊंगा डायरेक्ट। डायरेक्ट जाके बोल दोगे मतलब कि मैं मतलब अब तो आ जा।
अच्छा अब तो आ जा है ना, आप तो यही बोलोगे वहाँ जाके भाई अब तो आ जा अब तो सिंगर बन गया मैं, चल तुझे फैज मोहम्मद से मिला के ला। हाँ नहीं नहीं फैज मोहम्मद से और हिमेश रेशमी ऐसे भी मिलाना, इमरान हाशमी तो एक्टर है मेरे भाई। हाँ तो उनसे भी, उनका तो मैं फैन हूँ ना। इमरान हाशमी तो मेरे जैसे ही दिखते हैं मैंने। हाँ सेम मैं भी क्या एक्टर से कम नहीं हूँ, है लगता हूँ ना। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, आपकी हंसी मस्त है बस। अच्छा हंसी मस्त है मेरी यार, मुझे एक्टर का यार काम दे दो यार, बॉलीवुड पे ले चलना अगर चले जाओ तो, है ना। किस्मत के ऊपर डिफरेंट करता है वो तो जाना, किस्मत के ऊपर डिफरेंट करता है वो तो जाना। आवाज लोग पसंद करेंगे, लाइक सब्सक्राइब आएंगे तो जरूर बॉलीवुड में जा सकता हूँ। आवाज लोग पसंद करेंगे, लाइक सब्सक्राइब आएंगे तो जरूर बॉलीवुड में जा सकता हूँ। चलो तो फिर आपका स्टार्ट कर दे। दोस्तों इनको बॉलीवुड सिंगर बना के मानेंगे, है ना। जब बोलो देव नारायण भगवान की।